हेलो एवरीबॉडी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे छोटे से गांव चिलौगी तल्ली से। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:30 और आज का मौसम देख सकते हैं। आज भी ना मौसम खराब ही चल रहा है, हल्की फुल्की धूप भी खिली हुई है और गर्मी हो रही है हमारी चिलौगी तल्ली में भयंकर वाली। तो अभी घर का मैंने सुबह का सारा काम निपटा लिया है और सास माँ गई हुई है खेत में अदरक की निराई गुड़ाई करने। सामने के खेत में गई है, इस खेत के दूसरे साइड हमारा खेत, और मैं अभी अपने खेतों में आई हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए। तो अब हो चुका है हमारा लंच बनाने का टाइम। आज के लंच में बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी स्पेशल अरबी के पत्तों का साग, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में पिंडालू की कापली बोलते हैं, तो वही बनाने जा रही हूँ मैं। तो मैं और मेरा बेटा अंशु भी आ रखा है मेरे साथ। तो शिवानी स्कूल गई है, ससुर जी गए हैं बकरियों के साथ, और देवर जी पता नहीं किस काम के लिए मार्केट गए हैं, तो घर पे कोई नहीं है। तो जहाँ मैं जाती हूँ अंशु भी मेरे साथ ही वहीं आ जाता है। मैं इसको बोला घर पे खेल ले दूँ, तो वो नहीं खेल रहा घर पे, कह रहा मम्मी मुझे आपके साथ ही जाना है। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने अरबी के खेतों में। इन खेतों में हमने अरबी 2 महीने पहले ही लगाई थी और काफ़ी बड़े बड़े अरबी के पत्ते हो चुके हैं पूरे खेत में। तो देख सकते हैं इस खेत में इस साइड भी हमारे पूरे अरबी हो रखी है। तो मुझे ना कोमल कोमल से पत्ते चाहिए कापली बनाने के लिए, मतलब अरबी का साग बनाने के लिए। अरबी का साग बिल्कुल मैं पहाड़ी साधारण तरीके से बनाऊंगी, और अरबी के साग में आयरन की भरपूर मात्रा होती है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक भी होता है अरबी का साग। तो दाल खाने का तो मन नहीं करता गर्मियों के टाइम पर, और दाल मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। मुझे ना एक कापली, मूली की थिचौड़ी, आलू की थिचौड़ी, ऐसा साग खाना पसंद है, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं ना, तो हम ज़्यादा दाल वाल खाना पसंद नहीं करते। तो मैं घर से चाकू लेके आई थी, देख सकते हैं। तो अंशु ने चाकू यहाँ नीचे गिरा दिया था, पत्तों के अंदर खो गया था चाकू भी, और देख सामने चला गया अपनी दादी के साथ। तो सास माँ सामने वाले खेत में वहीं चला गया वो। तो पहले ना मैं कोमल कोमल से पत्ते काट लूँगी, इस चाकू की मदद से काटूँगी मैं। और यहाँ पर नीचे नीचे साइड मीडियम मीडियम साइज़ के पत्ते हो रहे हैं, यहीं से लेती हूँ मैं पत्ते साग बनाने के लिए। मैंने 10 से 15 पत्ते अरबी की काबली बनाने के लिए तोड़ लिए हैं, और अब चलते हैं घर। और अंशु भी वापस आ चुका है खेतों से, दादी के साथ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे दादी के साथ? कह रहे दादी ने चम मारा। इतना शैतान हो गया है ना अंशु, अब सब कुछ बोल लेता है वो। यहाँ पे हमारा छोटा सा अमरूद का पेड़ है, तो काफ़ी सारे अमरूद आ रखे हैं हमारे इस वाले पेड़ पे। और पिछले साल ना देवर जी ने आधा पेड़ काट दिया था, क्योंकि ये पेड़ ना छतरी के जैसे हो गया था, इसकी टहनियाँ कोई इधर को हो गई थी कोई उधर को, जहाँ पहुँच ही नहीं पाए थे। तो देवर जी ने सारी टहनियाँ काट दी थी पिछले साल इसकी, दूर दूर वाली। और ये देख सकते हैं खेतों के साइड साइड आजकल बड़ी बड़ी घास होने लग गई है, और नीचे तो हाथी घास लगा रखी है अंशु के पापा ने। अरबी का साग बनाने से पहले पत्तों को मैं नल पे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। घर पे आके मैंने अरबी के पत्तों को मोटा मोटा काट के थाली में भी रख दिया है। सामने मैं अगेठी में अब आग जलाने जा रही हूँ। तो मैं अरबी के पत्तों का साग पहाड़ी साधारण तरीके से बना रही हूँ, तो हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर खाना चूल्हे में ही बनाना पसंद करते हैं, और हमारे पहाड़ों में गैस वगैरह वगैरह की ज़्यादा सुविधा नहीं होती, तो हम खाना चूल्हे पे बनाते हैं ज़्यादातर। तो हमेशा की तरह ये भीमल के कीड़ों से मैं चूल्हे में आग जलाने जा रही हूँ। अंगीठी में शानदार सी आग भी जल चुकी है, और अब मैं ये जो अरबी के पत्ते हैं उनको कुकर में डालने जा रही हूँ बॉइल्ड करने के लिए। और इस बड़े कटोरे से मैं इसमें 2 कटोरे पानी डालूंगी उबालने के लिए पत्तों को, और अब इसको ढक्कन लगा लूंगी। अब मैं कुकर को चूल्हे पे चढ़ा लूंगी, और कम से कम लकड़ियों की तेज़ आंच होती है, तो मैं 20 मिनट तक इसको चूल्हे पे ही चढ़ा के रखूंगी,
और कोमल कोमल पत्ते हैं तो जल्दी उबल के तैयार हो जाएंगे। प्रेशर कुकर में एक सीटी भी आ चुकी है तो तड़के के लिए मैं लहसुन छील लेती हूँ। इसमें मैं प्याज और टमाटर का प्रयोग नहीं करूँगी, खाली लहसुन ही लहसुन डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक पूरी गांठ लहसुन ले रखी है और उसकी कलियाँ अलग अलग कर दी है इस कटोरी में। तो बाहर पे काफ़ी गर्मी लग रही है, लहसुन की सारी कलियाँ मैंने छील ली है। अब मैं ना इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ, तो मैं अपने सिलबट्टे में बनाऊँगी इसका पेस्ट। आप चाहे तो मिक्सी में भी बना सकते हैं, और हमारे पहाड़ों में कोई भी डिश बनती है तो उसमें सिलबट्टे का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो मैं इसका पहले बारीक सा पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन भी मैंने बारीक करके सिलबट्टे में पीस लिया है। पहले मैं इसको कटोरी में निकाल लेती हूँ, और सिलबट्टे में पीसी गई लहसुन का टेस्ट ही कुछ अलग आता है। प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटियाँ भी लग चुकी है तो अरबी के पत्ते उबल के तैयार हो गए होंगे। अब मैं इस लोहे की कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेती हूँ तड़का बनाने के लिए। उबले हुए अरबी के पत्तों को मैंने कुकर में अच्छे से घोट लिया है करछी की मदद से, और काफ़ी गाढ़ापन आ चुका है इन अरबी के पत्तों में। और सामने कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें तेल। कढ़ाई में तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब मैं तड़के में डालने जा रही हूँ इसमें ये है सरसों के दाने। तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर हरे साग में सरसों के दानों का ही प्रयोग करते हैं तड़का मारने के लिए। आप चाहे तो इसमें जीरा जक्की का तड़का भी मार सकते हैं। सरसों के दाने भी सारे चटक चुके हैं, अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। लहसुन भी अच्छे से भुन चुकी है कढ़ाई में, और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें मसाले। तो इस मसाला दाने में सारे मसाले हमारे अपने घर के बनाए हुए हैं। सबसे पहले डालने में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार डालने जा रही हूँ मैं नमक। तो हम काकली को चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो मैं इसमें 3 चम्मच नमक ऐड करूँगी। 1 बड़ी चम्मच में डाली इसमें धनिया पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच डालूँगे मैं लाल मिर्ची पाउडर। तो इन मसालों को भी थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे लहसुन के साथ। सारे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने जा रही हूँ। कढ़ाई में मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, और अब मैं ये कुकर में घोटे हुए अरबी के पत्ते कढ़ाई में डालने जा रही हूँ। तो हम 3 ही लोग हैं आज खाने वाले, इसलिए मैंने कम बनाई है कापली को 2-3 मिनट तक चूल्हे में पकने देंगे। और हमारी कापली बन के हो चुकी है तैयार। तो कापली में 1 उबाल भी आ चुका है, तो हमारी कापली बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ। तो इसके ये जो कंकड़ हैं काफ़ी गर्म हो रखे हैं, तो इस कपड़े की मदद से पकड़ूंगी मैं इसको और नीचे निकाल लूँगी, देख सकते हैं। और अब मैं ये चावल को कुकर चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। और 2 सीटी आने तक कुकर को भी चूल्हे पे ही रखेंगे। कुकर में चावल पक्के भी तैयार हो चुके हैं, 2 सीटी आ चुकी है। तो कुकर को नीचे उठा लेते हैं। और सासू माँ भी आ चुकी है खेतों से घर अदरक की गुड़ाई करने, और अभी हमारा लंच करने का टाइम भी हो चुका है। और माँ ने थाली में भी परोस दिया है भात, और ये मैंने प्याज का सलाद भी काट रखा है। तो मेरी लंच की थाली लग के तैयार हो चुकी है, और इस कटोरी में मैंने दही ले रखी है और ये सलाद, और माँ ने तो स्टार्ट भी कर दिया है खाना। तो पहले मैं लंच का लुत्फ़ उठा लेती हूँ, और आपको मैं अब सीधा लंच के बाद मिलती हूँ। तो लंच भी हो चुका है, और अंजुना भी सो गया है, दादी के साथ सो गया था।
मैं उसको अपने रूम पे ले आई हूँ, पंखा ऑन कर देते हैं, गर्म हो रहा है। करो लो तो अपने रूम पे सुला दिए इन लोगों, और आप थोड़ा सा आराम कर लेते हैं खाना खाने के बाद। आपको मैं से शाम को मिलूंगी। घास लेने आई थी अभी मैं जंगल में, और सामने मैंने रास्ते में घास का भारा रखा हुआ अपना, और जल्दी ही काट लिया था मैंने। और यहाँ पे रास्ते में जामुन का पेड़ है, तो जामुन खाने का मन करा था, और अंशु ने भी बोला था मम्मी मेरे लिए जामुन लेके आना, तो इसलिए मैंने ना अभी काफ़ी सारे जामुन पत्थर से तोड़े हैं, तो नीचे से गिरे हुए वहाँ रास्ते पे, तो खाने पड़ेंगे मुझे। और काफ़ी गर्म हो रखा है, तो मैं सोचती हूँ यहाँ पे थोड़ा हाथ मुँह धो लेती हूँ। छोटी सी गति नहीं आ रही है यहाँ पे, जो अलग गति ना, और घास काट के इतनी खुजली लग रही है ना हाथों पे, यहाँ पे आजकल घास पहनी हो रखी है। आयाश के लिए काफ़ी सारे जामुन इकट्ठा कर लिया मैंने, और ये ताजे ताजे जामुन हैं, और पत्थर फेंक के ना इनको कचाक लग गई है, इतने काफ़ी हैं। और अब चलते हैं घर, यहाँ पे डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ ऊपर बहुत घना जंगल है, भालू का डर होता है यहाँ, और बाघ का भी, और ऊपर से ना पत्थर आने की डर भी होती है, तो इतने काफ़ी हैं अंशु के लिए। तो ये जामुन काफ़ी मीठे और रसीले हैं, पक चुके हैं और पक पक के नीचे झड़ रहे हैं, कोई तोड़ ही नहीं पा रहा उस पेड़ से, छोटा रहता तो कोई तोड़ता भी, इतना मोटा पेड़ है कोई जा ही नहीं पाता उसमें। तो इस रास्ते में लगा रखा मैंने घास का भार, तो अब उठाते हैं और चलते हैं घर। पहले मैं इसे ना कुटरी बांध लेती हूँ, कुटरी हमारी पहाड़ी भाषा में कुटरी बोलते हैं, कुटरी। अच्छा खुश हो जाएगा मम्मी मेरे लिए जामुन लाई। और आजकल ना ये हरी घास इतनी पानी वाली है ना, भयंकर भारी हो रही है भाई, मुंह पे लग रही है। मैंने सुनी की हरी घास फिर घास का भार लेके मैं अपनी छानी में आ चुकी हूँ, और ससुर जी की बकरियाँ भी आ चुकी हैं जंगल से घर, और हमारी कालू को रकराट हो गया मेरे को घास दे घास दे। ये देखो तुम भयंकर मारने के लिए आती है ये कालू प्रसाद, तो घास को ना सुबह के लिए अंदर रखना पड़ेगा छानी में, सिवान रखेगी घास को अंदर क्योंकि मुझे नहीं पता किस साइड रखना है। तो इस दरवाजे के साइड रखेंगे घास, और यहाँ हमारी भैंस रहती है दोनों साइड, यहाँ बच्ची रहती है या बड़ी वाली भैंस रहती है साइड, तो इसी साइड रखते हैं घास। अंशु भी आ चुका है घूम के घर, और जो मैं इसके लिए जामुन लाई थी वो अंशु ने कुतर लिए हैं। कैसे खाया अपने कुतर कुतर के बता दो, कैसे दिखा दो जामुन, दिखा दो ये वाले, नहीं दूसरा वाला दिखाओ जो बड़ा वाला है, जो हैंड पे पकड़ा है आपने वो दिखाओ ना, ये देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं जामुन। अभी हो रहा है हमारा चाय का टाइम, तो शाम के अभी 6:30 बज चुके हैं, और हमारा पूरा परिवार बाहर छत पर बैठा हुआ है, ससुर जी शिवानी और सासू माता वो अंदर अपने कमरे में है, उनकी थोड़ी सी आजकल तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी टाइम से। डिग डिग क्रीम पाउडर घसनी की लेनी, क्रीम पाउडर घसनी की लेनी, कर डांस करो डांस।
तो अब मैं ना रात का खाना बनाने जा रही हूँ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।